अगर आप BSNL का पोस्टपेड प्लान लेने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा पोस्टपेड प्लान लेना चाहिए, तो उसके लिए ही आज मैंने वीडियो बनाया है BSNL पोस्टपेड फैमिली प्लान, जिसमें आप अपने फैमिली के लोगों को भी ऐड करवा सकते हैं इसमें। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ फैमिली प्लान के लिए ही बनाया है। और अगर आप BSNL के पोस्टपेड का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं, उसमें मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। नमस्ते, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नो मैच में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लान की बात करते हैं, जो कि 525 रुपीज़ का है। इसमें GST लगेगा 18%, सारे प्लान्स में GST 18% लगता है। तो GST लगने के बाद ये प्लान 620 रुपीज़ पड़ेगा। जो बिल आएगा आपका वो 620 रुपीज़ का आएगा। उसके बाद देखते हैं कि ऐड ऑन सिम, तो इसमें आप कितनी सिम ऐड करवा सकते हैं। तो इसमें आप एक सिम ऐड करवा सकते हैं, तो टोटल हो गई दो सिम। तो मतलब आप 620 रुपीज़ में आप दो सिम चला सकते हैं। उसके बाद कॉलिंग की बात करें, तो इसमें दोनों ही सिम में अनलिमिटेड कॉलिंग अवेलेबल होती है। तो अब डेटा की बात कर लेते हैं, तो मेन सिम में डेटा मिलता है 85 GB का, और डेटा ऐड ऑन सिम में मिलता है, तो इसमें ऐड ऑन सिम में कुछ भी डेटा नहीं मिलता, इसमें सिर्फ कॉलिंग ही मिलती है अनलिमिटेड। उसके बाद SMS की बात करें मेन सिम में, तो 100 SMS पर डे के हिसाब से मिलते हैं, और ऐड ऑन सिम को कुछ भी SMS नहीं मिलते हैं। डेटा रोल ओवर देखें, तो इसमें टोटल डेटा रोल ओवर मिल जाता है 255 GB का। और एक्सपेंस पर हेड की बात करें, अगर 620 को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 310 रुपीज़ का पर हेड के हिसाब से एक्सपेंस आ जाता है। उसके नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं, जो कि है 798 रुपीज़ का, और ये अगर आप इसमें GST इंक्लूड करेंगे तो आपका बिल आएगा 942 रुपीज़ का GST इंक्लूड करके। फिर ऐड ऑन सिम देख लें, तो इसमें आप दो सिम ऐड करवा सकते हैं, टोटल सिम हो गई आपकी तीन, तो तीन सिम आप इस प्लान में चला सकते हैं। कॉलिंग की बात करें, तो इसमें भी अनलिमिटेड कॉलिंग आपको मिल जाती है। डेटा मेन सिम में अगर देखें, तो इसमें आपको 50 GB मेन सिम को डेटा मिलता है, और ऐड ऑन सिम की डेटा की बात करें, तो इसमें भी 50 GB को हर सिम को मिलेगा, मतलब तीनों सिमों को 50 GB डेटा इसमें मिल जाता है। उसके बाद SMS की बात करें, तो मेन सिम को 100 SMS पर डे के हिसाब से मिलते हैं, प्लस जो एडिशनल आपने सिम ऐड करवाई हैं उनको भी 100 SMS पर डे के हिसाब से मिल जाते हैं। डेटा रोल ओवर देखें, तो इसमें 150 GB डेटा रोल ओवर मिलता है, और एक्सपेंस अगर तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे 942 रुपीज़ को, तो एक्सपेंस पर हेड 314 रुपीज़ का पड़ेगा। नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं, जो कि है 999 रुपीज़ का, और GST इंक्लूड करके ये प्लान पड़ेगा आपको 1179 रुपीज़ का। उसके बाद इसमें ऐड ऑन सिम देख लेते हैं कि कितनी है। इसमें 3 ऐड ऑन सिम है, मतलब टोटल आप 4 सिम इसमें चला सकते हैं। कॉलिंग की बात करें, तो इसमें भी अनलिमिटेड कॉलिंग है। डेटा मेन सिम में मिलेगा 75 GB मेन सिम को डेटा मिलेगा, और ऐड ऑन सिम को भी 75 GB मिलेगा ईच, मतलब हर सिम को 75 GB टोटल डिवाइड किया गया है। और SMS की बात करें, तो इसमें भी 100 SMS पर डे के हिसाब से मिलते हैं, ऐड ऑन सिम को भी 100 SMS पर डे के हिसाब से मिलते हैं, प्लस डेटा रोल ओवर की बात करें, तो इसमें 225 GB का डेटा रोल ओवर है, और एक्सपेंस पर हेड की बात करें, तो 295 रुपीज़ एक्सपेंस पर हेड के हिसाब से पड़ता है। तो आपने ये देख लिया चार्ट, इसमें क्या क्या है, तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि कौन सा प्लान बेस्ट है। बट मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर देती हूँ कि कौन सा प्लान बेस्ट होगा, मुझे जो प्लान बेस्ट लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 525 रुपीज़ का प्लान है, वो फैमिली प्लान के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ऐड ऑन सिम है, इसको कुछ भी डेटा नहीं मिलता, और ना ही इसमें आपको मैसेज मिलते हैं, सिर्फ ये कॉलिंग के लिए है। तो प्लान फैमिली प्लान के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्लान की बात करें, जो कि है 798 और 999 रुपीज़ वाले प्लान। तो अगर 798 रुपीज़ वाले प्लान को देखते हैं, तो पर हेड के हिसाब से 50 GB डेटा मिलता है, तो इसका टोटल डेटा हो गया 150 GB, और इसका टोटल डेटा हो गया 300 GB। तो अगर कॉस्ट की बात करें, तो इसके कॉस्ट में और इसके कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट इसके डेटा में ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसमें मिल रहा है आपको 50 GB, इसमें आपको मिल रहा है 75 GB। तो अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए और ज़्यादा लोगों को ऐड करना हो, चार लोगों को ऐड करना हो, तो चार लोगों के हिसाब से ये प्लान बेस्ट रहेगा 999 रुपीज़ वाला। और अगर तीन ही लोग को ऐड करना है, तो ये प्लान बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें डेटा रोल ओवर भी कम है, इसमें डेटा रोल ओवर ज़्यादा है। तो अगर आपको बहुत सारा डेटा चाहिए है, तो मेरे हिसाब से 999 रुपीज़ वाला प्लान बेस्ट रहेगा।
अब चार्जेस की बात कर लेते हैं कि जब आप सिम लेते हैं तो आपको कितना पेमेंट करना होगा। तो वन टाइम पेमेंट है 100 रुपीज़ का, जो कि एक्टिवेशन चार्ज है, ये रिटर्न नहीं होगा। और सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो अगर आप लोकल प्लस एसटीडी वाला प्लान लेते हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे, और अगर आप लोकल एसटीडी प्लस आईएसडी वाला प्लान लेते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ पे करने होंगे, और अगर आप लोकल एसटीडी आईएसडी प्लस इंटरनेशनल रोमिंग वाला प्लान लेते हैं तो आपको 5000 रुपीज़ पे करने होंगे। ये सारे जो आप पे करेंगे ये आपको रिटर्न हो जाएगा बाद में जब आप अपनी सिम बंद करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी बीएसएनएल के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं दूसरे नेटवर्क के पोस्ट पेड और बेस्ट पोस्ट पेड प्लान के बारे में देखना तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारे पोस्ट पेड और सारे प्रीपेड प्लान्स देख सकते हैं। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ये पूरा डिटेल में था बीएसएनएल का पोस्ट पेड फैमिली प्लान। तो मुझे कमेंट करें कि कौन सा पोस्ट पेड प्लान आपको बेस्ट लगा। तो अगर आप बीएसएनएल का फाइबर नेटवर्क लेने की सोच रहे हैं तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन तो एसबीआई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो रजिस्टर करें एसबीआई योनो पर, उसके लिए क्लिक करें लेफ्ट साइड के वीडियो पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।